यूनिवर्सिटी से मिली सफाई की मशीन। बीते कई सालों से गायब थी सरकारी मशीन। आजम खां पर दर्ज हुआ एक और केस। उत्तर प्रदेश के रामपुर में वरिष्ठ सपा नेता आजम खां की पहल पर स्थापित जौहर विश्वविद्यालय में नगर निगम से चोरी हुई सफाई मशीन बरामद होने के अगले दिन मंगलवार को हजारों किताबें बरामद हुई हैं। ये किताबें ओरिएंटल कॉलेज से कुछ साल पहले चोरी हुई थी। रामपुर के अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संचार सिंह ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि बरामद हुई किताबों की गिनती चल रही है। पूर्ववर्ती सपा सरकार के कद्दावर पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां की पहल पर स्थापित जौहर विश्वविद्यालय चोरी के सामान की धरपकड़ के अभियान में पुलिस को दूसरे दिन बड़ी कामयाबी मिली। आइए देखते हैं इस पूरी रिपोर्ट को। विश्वविद्यालय परिसर में जमींदोज की गई ऑटोमेटिक स्वीपिंग मशीन मिलने के बाद अब हजारों गायब किताबें पुस्तकालय से बरामद होना चौंकाने वाला है। पुलिस ने दो दिन पहले गिरफ्तार किए गए अनवर और सलीम की निशानदेही पर ये किताबें बरामद की। अनवर और सलीम आजम खां के करीबी बताए जाते हैं। ये दोनों आजम के विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम के करीबी दोस्त भी हैं। अनवर और सलीम की निशानदेही पर ही पुलिस ने कल ऑटोमेटिक स्वीपिंग मशीन बरामद की थी। मशीन कैंपस में गड्ढा खोदकर दबाई गई थी। यह मशीन नगरपालिका परिषद की बताई जा रही है। पुलिस की पड़ताल के क्रम में ओरिएंटल कॉलेज के प्रधानाचार्य ने पुलिस को सूचना दी थी कि इन दोनों से अगर उनके कॉलेज से चोरी हुई किताबों के बारे में पूछा जाए तो किताबें मिल सकती है। पुलिस ने जब अनवर और सलीम से सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि जौहर विश्वविद्यालय के म्यूजियम के लिफ्ट के नीचे किताबें दबी हैं। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर लिफ्ट के नीचे से दबी हुई हजारों की संख्या में किताबों को बरामद कर लिया। ओरिएंटल कॉलेज के प्रधानाचार्य ने पुलिस को बताया था कि वर्ष 2016 में 10,633 किताबें कॉलेज से गायब हैं। इनमें से करीब 2,500 किताबें पहले जौहर यूनिवर्सिटी से बरामद हो चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूवी इंडिया न्यूज़।